सब्सक्राइब कीजिए एसके ऑफिशियल चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में करने वाले हैं हम आपके सामने एक अनबॉक्सिंग। हमने इसके अंदर मंगाया है अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट का क्यूआर कोड। आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपने अपने पेटीएम के अंदर अपना बिजनेस अकाउंट ओपन किया हुआ है। अगर आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई दुकान है, तो आप इसी क्यूआर कोड को आसानी से अपनी दुकान पर लगा सकते हैं और किसी भी कस्टमर से, अपने किसी भी ग्राहक से आप पेटीएम क्यूआर कोड द्वारा पेमेंट ले सकते हैं। आपको उन्हें कोई भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, वो इस कोड को स्कैन करके ही आपको पेमेंट कर सकता है। तो हम इसे आपके सामने ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हमारे सामने ये स्टिकर यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। आप इनको अपनी दुकान या शॉप के बाहर लगा सकते हैं। इससे पता चलता है कि पेटीएम यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमें यहाँ पर स्टिकर मिल जाते हैं। आप इनको अपनी दुकान के बाहर चिपका सकते हैं, जो कि लोगों को ये बाहर से ही दिखाई दे और पता चले कि यहाँ पर पेटीएम एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर लिखा होता है पेटीएम एक्सेप्ट हियर। तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड हमें यहाँ पर भी है और यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है। ये स्टिकर यहाँ पर हमें इसके अंदर मिले हैं और एक है अभी हमारे साथ सामने एक और बॉक्स, तो इसको भी हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो हम इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें मिलता है कुछ इस तरह का एक बॉक्स। इसके अंदर हमारा जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमें इस तरीके से आप इसको अपनी दुकान या शॉप के काउंटर पर आसानी से रख सकते हैं। कोई भी कस्टमर इस कोड को स्कैन करके ही आपको पेमेंट कर सकता है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और ये ग्लास का बना है, ठीक है। नीचे इसकी प्लास्टिक बॉडी है, ऊपर ये ग्लास है। तो आप इस तरीके से इसको अपने टेबल पर, अपने काउंटर पर रख सकते हैं। तो यही था बस इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।